नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों ने काफी कुछ बात किया है कॉन्सेप्ट के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी सीरीज आज से हम शुरू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल साइड हैं, उन सब को हम कवर करें और क्वालिटी के साथ कवर करें, ताकि आपको लगे इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमी का। तो दोस्तों अब मैं क्लियर करूं आपसे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फर्क क्या है। जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम इंडियन इकोनॉमी में क्या कवर करेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह समझ लो कि जब इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे थे, अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे, तो इसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि कोई एक रेशनल इकोनॉमिक एजेंट जो है, कोई एक रेशनल इकोनॉमिक एजेंट मतलब कोई एक बौद्धिक आर्थिक एजेंट जो है, वो अपने मिनिमम रिसोर्स को, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे कर रहा था ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमको ये सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी सोसाइटी को ले लो, किसी भी कंट्री को ले लो, किसी इकोनॉमिक एजेंट को ले लो, उसके सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि उसके सामने जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते हैं और उसके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की यहीं से शुरू होती है। चाहे आप इकोनॉमिक्स जाने, चाहे आप इकोनॉमिक मत जाने, आपके सामने जो चैलेंज आती है वो आती है लिमिटेड रिसोर्स से अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पापा आपको देते हैं 6,000 रुपये और बोलते हैं बेटा जाके जी लो अपनी जिंदगी। आप एक युवा हैं, आप एक युवती हैं, आपको महीने में 30,000 रुपये का खर्च है, घूमने में इसी में अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाके खाने में इसी अच्छा लगता है, ट्रिपल आर देखने में इसी में आपको अच्छा लगता है, हर चीज इसी में अच्छा लगता है। आपके खर्चे हैं 30,000 के, पापा ने दे दिए आपको 6,000 रुपये और बोल दिए कि जाके जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन दोस्तों चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ें या इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, चाहे आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन आप यहाँ इकोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, आप उस 6,000 रुपये का इस तरीके से उपयोग करते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि जो आपकी यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके। मतलब हमारे सामने रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। आप एक कंट्री को ले लो, इंडिया को ले लो, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता है कि इंडिया इकोनॉमी के सामने ढेर सारे चैलेंज हैं, ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, ढेर सारे काम हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जीडीपी का 9% खर्च करना है, उनको हेल्थ सिस्टम को सुधारना है, उनको अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, इन्वायरमेंट को बेटर करना है, सबके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना है, पॉवर्टी को रिडक्शन करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, रेलवे को बेटर करना है, एनर्जी को आपको बेहतर लेवल पर लेके आना है, सैनिटेशन की बात की जाएगी। तो काम तो बहुत है लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा एक लिमिटेड होते हैं। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करें ताकि पूरे इकोनॉमी के, पूरे राष्ट्र के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सके। तो इकोनॉमिक्स है एक डिसीजन मेकिंग आर्ट, एक डिसीजन मेकिंग साइंस, जो लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे हो इसके ऊपर फोकस करता है। इस चीज के ऊपर काफी लेक्चर्स हो चुके हैं, काफी डीप में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। जब मैं इकोनॉमी कहता हूं तो ये इकोनॉमिक से फर्क होता है। जब मैं कहता हूं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहां पे मैं शब्द यूज करता हूं इंडियन इकोनॉमी, न कि इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब भारतीय अर्थशास्त्र का प्रयोग मैं नहीं करता हूं, मैं कहता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है अर्थव्यवस्था? जब मैं इकोनॉमिक शब्द यूज किया, अर्थव्यवस्था शब्द यूज किया, तो इसका मतलब होता है कि एक दिए गए इकोनॉमी में, एक दिए गए कंट्री में या उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पैटर्न में डिफाइन करते हैं तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। अब जरा देखो, जहां इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग साइंस था, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज की बात करता था, वहीं पे इकोनॉमी एक स्पेसिफिक एरिया में, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसको उस रूप में डिफाइन करता है, आर्थिक गतिविधियों के रूप में डिफाइन करता है।
एक जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसकी एक्टिविटीज कई तरह की हो सकती है। रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो सकती है, कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है, सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है। जितने भी एक्टिविटीज हैं सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज है तो उसका उद्देश्य है कि किस तरीके से पॉलिसी बेटर बनाया जाए, किस तरीके से देश को प्रगति के पथ पर लाया जाए, किस तरीके से लोगों को सेवा किया जाए। जब हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज है उसमें हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सब प्रकार के एक्टिविटीज के अलग अलग उद्देश्य है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य है इनकम जनरेशन, मतलब किस तरह से कोई अर्थव्यवस्था आय का सृजन करता है, किस तरीके से धनार्जन करता है। यद्यपि अगर आप वर्तमान युग में बात करोगे तो सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं अर्थोपाय से जुड़ी हुई है, धनार्जन से जुड़ी हुई है, इनकम जनरेशन से जुड़ी हुई है। बट इन टेक्निकली, इन थियरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो सीधा सीधा ये बताती है कि इससे इकोनॉमी में इनकम जनरेशन होगा, इसमें अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होगा। तो दोस्तों, जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फॉर्म में, उसके पैटर्न में, जब हम अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, अपने रीजन को, अपने एरिया को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो रिसोर्सेज के डिवीजन का है कि किस तरीके रिसोर्सेज का डिवीजन होगा ताकि इकोनॉमी में वेलफेयर को क्रिएट किया जा सके, इंक्लूसिव ग्रोथ को लाया जा सके। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम वो आती है रिसोर्स के बेटर एलोकेशन का, रीजनल डिस्पैरिटी न क्रिएट हो, रीजनल बैलेंसेज बने रहे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबका सर्वांगीण विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समावेशी विकास हो, वो इसका टारगेट पॉइंट है। तो जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इसको जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे आज से, तो इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फॉर्म में डिफाइन करेंगे इंडियन इकोनॉमी को। तो आप जानते हो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको जो है चार भागों में, बड़े भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम भारत के प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे। जब मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई गतिविधियां, जिसको आप बोलते हो एलाइड, वो दो चीजों को हम समावेश करते हैं। तो भारत में हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में, कि एग्रीकल्चर तो होता ही होता है, बट इसके साथ जो एलाइड एक्टिविटीज है, जैसे फॉरेस्ट्री है, जैसे फिशिंग है, आप देख रहे हो, जैसे माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, डेयरी है, और इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर है, इन सभी तरह के एक्टिविटीज को हम यहाँ पे एलाइड के फॉर्म में देखेंगे। तो हम प्राथमिक क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे, इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह का एग्रीकल्चर का पैटर्न है, किस तरह के क्रॉप्स होते हैं, और साथ ही साथ जो एलाइड एक्टिविटीज है जो कि क्रॉप रेजिंग नहीं है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, जो फॉरेस्ट्री हो सकती है, जो कि माइनिंग हो सकती है, जो कि फिशिंग हो सकती है, जो कि हॉर्टिकल्चर हो सकता है, जो डेयरी हो सकता है, जो कि पोल्ट्री हो सकता है, इसके विषय में किस तरीके से इसे धनार्जन हो रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है इंडस्ट्री, उद्योग, और बेसिकली इसको हम कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को हम सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ेंगे और उद्योगों की बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे तो बहुत हद तक कई चीजें इंडस्ट्री से पूछी जाती हैं। आप अगर इंडस्ट्रियल, अगर आप पॉलिसी की बात करोगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा इसकी, तो सीधे सीधे ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात कर लो या फिर आईएएस की बात करो, दोनों ही एग्जाम में सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे इसका जो है सिलेबस का पार्ट है। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल चीज़ों को हम सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंडस्ट्री के रिलेटेड डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसका जो है इकोनॉमिक में किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे रहा और इस तरह रिसेंट रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं और क्या क्या चैलेंज है इंडस्ट्री के सामने, क्यों भारत एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ का एग्जाम्पल नहीं बन पाया, क्यों भारत में इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रही जितनी कि चाइना में रही, इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। जब मैं टर्शियरी सेक्टर की बात करता हूँ तो टर्शियरी सेक्टर में आता है बेसिकली सर्विसेज, और जो टर्शियरी सेक्टर डेवलप होता है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए होता है। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर क्या था, हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे थे, हम खेती कर रहे थे, हम किसानी कर रहे थे, हम
मिल्क की बात कर रहे हैं, डेयरी की बात कर रहे हैं, हम जो है हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फिशरीज की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, जो प्राइमरी रिसोर्स हमारे थे उसका मूल्यवर्धन की बात कर रहे थे, उसकी प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, हम माइनिंग की बात कर रहे थे, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज मिलते हैं नेचर से सीधे सीधे, उसका जो रूप परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें जो वैल्यू एड है, उसका जो जो उसका प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, वो है सेकेंडरी सेक्टर। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर डेवलप हो, मतलब ट्रेड, कॉमर्स, इंश्योरेंस, सर्विसेज, बैंकिंग, पूरी तरीके से इसमें टूरिज्म प्लस साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तमाम चीज़ों को हम टर्शरी सेक्टर में पढ़ेंगे। अगर आप देखो बैंकिंग, इंश्योरेंस ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, रेलवे का डेवलपमेंट ना हो, ट्रकों का डेवलपमेंट ना हो, तो कहाँ से इंडस्ट्री और कहाँ से एग्रीकल्चर डेवलप कर पाएगा। पूरी की पूरी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर डेवलप। अब तुम देखोगे कि इंडिया में जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा जो है सर्विस सेक्टर का है, लगभग 55-56% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है जीबीए में, वो सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर भारत में क्यों इतना तेजी से ग्रो कर गया, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो नहीं किया। तुम देखोगे चाइना में सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा डबल, तुमने प्राइमरी से सीधे टर्शरी में छलांग लगा दिया, सेकेंडरी भारत में डबल। तो ये क्यों हुआ, यूपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया। इस सभी मुद्दों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, पूरी की पूरी इंक्लूड करेंगे कि आखिर में क्या ऐसी चीजें थी कि भारत में सर्विसेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत बेहतर हुआ है, सर्विस सेक्टर भारत में बहुत ज्यादा ग्रो करी है। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ही इसका मीनिंग होता है, इसका कहीं से निगेटिव मीनिंग नहीं है कि सबकी यहाँ पे टर्शरी। तो भारत में हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे, पूरे सर्विसेज की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तमाम चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली सेक्टर, देखिए पहले क्वार्टरली सेक्टर की बात नहीं होती थी, आजकल बहुत हद तक आप देखोगे जितने डेवलप्ड कंट्रीज है वो सबसे ज़्यादा फोकस पहले क्वार्टरली सेक्टर पर करते हैं। क्वार्टरली सेक्टर का मतलब होता है डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रोसेसिंग और उससे कंक्लूजन निकालना। अगर सोचो आप जरा बहुत ध्यान से सोचो कि मान लो कि हम इंडस्ट्रियल लोकेट करना चाहते हैं कहीं पे, या फिर हम कहीं पे क्रॉप रेजिंग करना चाहते हैं, कहीं पे डेयरी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, कहीं पे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, डेटा का कलेक्शन करें, डेटा से कंक्लूजन निकालें कि भारत में कौन ऐसे प्लेस हैं, रीजन्स हैं जहाँ पे कौन सी क्रॉप बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, कहाँ फिशरीज के ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज के ज़्यादा पोटेंशियल है, इंडस्ट्री को लोकेट कहाँ किया जाए। तो इन सब के लिए डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रोसेसिंग और डेटा से कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वार्टरली सेक्टर है वो इसी के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से डेटा के कलेक्शन के माध्यम से चीजों को और बेहतर किया जाए, इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। तो हम इंडिया के क्वार्टरली सेक्टर की भी बात करेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों अब जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर को सबको इंक्लूड करेंगे और आपके लिए सबसे बेहतर मटेरियल लाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, जिस तरह का सपोर्ट मैं उम्मीद करता हूं अभी उस तरह के सपोर्ट मुझे नहीं मिले हैं। अभी 50,000 सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं हुए हैं, जबकि मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको बहुत ऑथेंटिक, बहुत बेहतर, बहुत क्वालिटेटिव वीडियो मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। जाते जाते मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि अपने जीवन में अगर आपको बेहतर करना है तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है और ये जो समय है वो बहुत प्रेसियस है, बहुत प्रेसियस। इस समय का यूटिलाइजेशन करिए, बेस्ट पॉसिबल यूज करिए ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता है। हम देखते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो 50% बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको खुद ही क्लियर नहीं है कि उनका टारगेट क्या, उनका एम क्या, उनको लक्ष्य क्या, उनको जाना कहाँ है। सबसे पहले अपने एम को स्पष्ट करिए, अपने लक्ष्य को डिफाइन करिए, डिफाइन करिए कि मुझे क्या करना है। जिस दिन आप अपने टारगेट को डिफाइन कर गए, जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है, उस दिन से आपके कर्म भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, आप उसी तरह कृत्य करिएगा और वो लक्ष्य आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसके लिए जरूरी है कि माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका दिल कभी ना दुखाइए। आप हमेशा प्रयास करिए कि पॉजिटिव बने रहें, निगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखिए, बी पॉजिटिव, हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने आप में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहिए। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।